हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरिता राठी क्लासेस। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम करने वाले हैं द थ्री ऑर्डर्स। चैप्टर क्लास 11th का है, हिस्ट्री का है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक जुड़े रहिएगा, सेशन को लाइक करना ना भूलिएगा, और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है द थ्री ऑर्डर्स, ठीक है, हिस्ट्री का चैप्टर है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस के बारे में, और ये चेंजेस कहाँ पर हुए थे, वेस्टर्न यूरोप में हुए थे। किस टाइम में, 19 से लेके 16 सेंचुरी के बीच में हुए वेस्टर्न यूरोप में जो चेंजेस थे, और किस बेसिस पे, सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्फीयर पर जो चेंजेस हुए थे, उन चेंजेस को हम यहाँ पर नोटिस करेंगे। यहाँ पर जो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं उसमें किस चीज़ को देखा जाएगा, रोमन अम्पायर के फॉल के बाद, ठीक है, उसमें गिरावट आने के बाद जो अलग अलग जो ग्रुप थे, ठीक है, जर्मेनिक जो पीपल के ग्रुप थे ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में, ठीक है, उन्होंने अलग अलग जो इटली का हिस्सा था उनको ऑक्यूपाई कर लिया था, ठीक है, स्पेन का, फ्रांस का, इन हिस्सों को क्या है, उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था। किसके डेक्लाइन के बाद, रोमन अम्पायर के डेक्लाइन के बाद। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पर पॉलिटिकल फोर्सेस जो थी उनकी अब्सेंस थी, ठीक है, कि आर्मी की जो इतनी सिक्योरिटी थी वहाँ पर उतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं थी, ठीक है, उन सारी चीज़ों को, इन द एब्सेंस ऑफ एनी यूनिफाइंग पॉलिटिकल फोर्स मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट वाज फ्रीक्वेंट, कि वहाँ पर इतना पॉलिटिकल फोर्स नहीं था, उनके बीच में यूनिफाइंग कनेक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है, उनके बीच का जो टकराव था वो लगातार था। क्यों? क्योंकि वो टेरिटरीज़ को, अलग अलग टेरिटरीज़ को अपने एरिया में मर्ज करना चाहते थे, एड ऑन करना चाहते थे। अब यहाँ पर जो अपने आप को एक तरीके से स्ट्रोंग बनाने के लिए ये लोग, यहाँ के जो लोग थे, या उनको किस चीज़ की जरूरत थी, नीड टू गैदर रिसोर्सेज टू प्रोटेक्ट वंस लैंड बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, कि रिसोर्सेज को एक कंट्रोल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करेंगे। क्यों? अपने आप को स्ट्रेंथ देने के लिए, अपने आप को स्ट्रोंग बनाने के लिए, अपने आप को एक इंपॉर्टेंट प्लेस में कन्वर्ट करने के लिए। सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन था यहाँ का, ठीक है, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन था वो सेंटर्ड था, ठीक है, किसके ऊपर, लैंड को कंट्रोल करने के ऊपर। एक तरीके से एग्जांपल लेके, जिसके पास जितनी ज़्यादा ज़मीन होगी, जितना ज़्यादा लैंड होगा, वो उतना ही ज़्यादा क्या है, एरिया स्ट्रोंग हो जाएगा। यहाँ पे इनके फीचर्स जो हैं, ठीक है, हम उनको नोटिस करेंगे। तो फीचर्स जो हैं डिराइव्ड फ्रॉम बोथ इंपीरियल रोमन ट्रेडिशन एंड द जर्मन कस्टम्स, ठीक है, दोनों से मिलकर जो चीज़ें थी, जो फीचर्स थी, जो स्पेशल पॉइंट्स थे, करेक्टरिस्टिक्स थे, वो क्या यहाँ पर उभर कर आए, ठीक है। क्रिश्चियनिटी जो थी यहाँ पर एक ऑफिशियल रिलीजन था, किसका, रोमन एम्पायर का, ठीक है। तो मेन जो रिलीजन था यहाँ पर कौन सा आ जाता है, क्रिश्चियनिटी आ जाता है, ठीक है। और ये आपका रोमन एम्पायर की जो बात थी, कब से उभर कर सामने आया था, ये 4th सेंचुरी से उभर कर आया था। रोम कोलैप्स हो गया, लेकिन ये क्रिश्चियनिटी जो है ये सर्वाइव कर गई, ये फिर भी आगे बढ़ती रही। और जो क्रिश्चियनिटी है, इसका मेन जो कंपोनेंट था वो था चर्च। और अब यहाँ पर चर्च क्या बन चुका था, लैंड होल्डर बन चुका था, एक पॉलिटिकल पावर बन चुका था यूरोप में। क्लियर? इस चैप्टर, द चैप्टर थ्री ऑर्डर्स, ठीक है, इसमें हम तीन ऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। वो ऑर्डर्स कौन से हैं, क्रिश्चियनिटी, प्रीस्ट, लैंड ओनिंग नोबल्स एंड दी पीजेंट्री, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर का थोड़ा सा जो बेस है आप क्लास 9th में, ठीक है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उससे आप क्या इसको रिलेट कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें आपने पढ़ी हैं, और उसकी आगे की जो चीज़ें हैं उनको आप ब्रॉड में यहाँ पर पढ़ेंगे, उन चीज़ों को आप समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर थ्री अलग अलग ग्रुप्स हैं, और वो ग्रुप जो हैं अलग अलग फैक्टर से शेप कर रहे हैं यूरोपियन हिस्ट्री को, और उन यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में क्या हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो चीज़ है कि यूरोपियन हिस्ट्री हिस्टोरियंस जो हैं उन्होंने पुराने जो चीज़ें हैं उनके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन निकाली। ये डिटेल इन्फॉर्मेशन किससे, देखिए यहाँ पर आपका एग्जांपल के लिए लिया जा रहा है मेडिवल पीरियड, ठीक है, मेडिवल पीरियड में जो डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है, वो किस चीज़ से, एक एग्जांपल बेस्ट यहाँ पे दूंगी कि मेरे पास ज़मीन है, बहुत ज़्यादा ज़मीन है, तो मैं उसका क्या करूँगी, रिकॉर्ड बना के रखूँगी, और वही रिकॉर्ड्स मेरी आने वाली जनरेशन क्या है, रीड आउट करेंगे, स्टडी करेंगे, और उनको क्या प्रीवियस के बारे में, पास्ट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। अब ये रिकॉर्ड्स किसके हो सकते हैं, चर्च, जो चर्च हैं वो बर्थ के रख सकते हैं, ठीक है, जो किंग हैं वो रख सकता है, जो अलग अलग जो नोबल्स हैं वो अलग अलग चीज़ों को इनक्रिप्ट करवा सकते हैं, इंस्क्रिप्ट करवा सकते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, हमें उस टाइम के बारे में बेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो पता चलती है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल के लिए दिया ही गया है, ठीक है,
हाँ जी, यहाँ पर देखिए कि फ्रांस में बहुत सारे स्कॉलर्स हुए हैं, ठीक है, और वो किसको समझा रहे, फ्यूडलिज्म को। फ्यूडलिज्म क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर, ठीक है, जिसमें क्या है, चीज़ों को, सोसाइटी को अलग अलग ग्रुप्स में क्या है, बांटा गया है, या अलग अलग ग्रुप में बटी हुई सोसाइटी एक पार्ट बन जाती है किसका, फ्यूडलिज्म का, ठीक है। तो यहाँ पर फ्यूडलिज्म को समझाने के लिए, ठीक है, फ्रांस के एक स्कॉलर है, उन्होंने फ्यूडलिज्म पर वर्क किया, और ये जो चीज़ थी वन ऑफ द अर्लीस्ट वाज ब्लॉक, ठीक है, मार्क ब्लॉक, जिनका यहाँ पे डेट आपकी दी गई 1886 से लेके 1944 तक का जो टाइम पीरियड है उनका, वो दिया गया है। और इन्होंने वाज वन ऑफ द ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स हु आर्ग्यूड दैट हिस्ट्री कंसिस्टेड ऑफ मच मोर देन जस्ट पॉलिटिकल हिस्ट्री, कि राजा ने किस तरीके से रूलिंग की, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, उसके बियॉन्ड जो है आपकी हिस्ट्री जाती है, जिसमें एक एक पार्ट को क्या है हम यहाँ पर हिस्सा बनाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ही एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ द ज्योग्राफी इन शेपिंग ह्यूमन हिस्ट्री, ठीक है, कि ज्योग्राफी की जो शेप है, ठीक है, रेगिस्तानी हिस्सा है, आपके माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, ये चीज़ें आप डिस्क्राइब करती हैं, ठीक है, या एक तरीके से लीड करती हैं ह्यूमन हिस्ट्री को, ताकि हम उन चीज़ों को, उन बिहेवियर्स, उन एटीट्यूड्स ऑफ द ग्रुप ऑफ द पीपल, इन चीज़ों को समझ सकें और हिस्ट्री को क्या बेटर तरीके से समझें, ठीक है। यहीं पे आपका दिया गया कि ब्लॉक्स फ्यूडल सोसाइटी इज अबाउट यूरोपियन, पर्टिकुलरली फ्रेंच सोसाइटी बिटवीन 900 एंड 1300, इसके बीच का जो टाइम था, इसमें अलग अलग जो सोशल रिलेशंस थे उनको समझने के लिए, लैंड मैनेजमेंट को समझने के लिए, पॉपुलर कल्चर को समझने के लिए क्या है, ये इस तरीके की जो हिस्ट्री थी उसको क्या है स्टडी करने की कोशिश की गई। तो चलिए यहाँ पे देखिए आ जाते हैं, एन इंट्रोडक्शन टू फ्यूडलिज्म, कि इंट्रोडक्शन किस तरीके से फ्यूडलिज्म का। सामने मैप दिखाई दे रहा है आपका, इसमें इंग्लैंड है, जर्मन स्टेट्स दी गई हैं, नॉर्मेडी दिया गया है, ठीक है, बर्गंडी दिया गया, ऑस्ट्रिया दिया गया, वियना दिया गया, तो बहुत सारे, स्पेन का हिस्सा यहाँ पे है, रोम आपको दिखाई देगा, तो बहुत सारी चीज़ें, मेडिटेरियन सी के अभाव का जो एरिया वहाँ पे आपको ये चीज़ें मैप में दिखाई देंगी, ठीक है। द टर्म फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म जो टर्म है, ठीक है, इससे हिस्टोरियंस क्या डिस्क्राइब करना चाहते हैं, वो डिस्क्राइब करना चाहते हैं द इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल एंड द सोशल रिलेशनशिप दैट एग्जिस्टेड इन यूरोप इन द मेडिवल एरा, कि उस टाइम के जो रिलेशंस थे मेडिवल पीरियड के, उनको क्या यहाँ पे डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है बाय द वर्ड ऑफ फ्यूडलिज्म, डिराइव फ्रॉम द जर्मन वर्ड। अब फ्यूडलिज्म जो वर्ड है कहाँ से आए, एक जर्मन वर्ड है, फ्यूड से ओरिजिनेट हुआ है, और जिसका मीनिंग क्या है, मीनिंग देखिए आपके एनसीईआरटी में गिवन है, जिसका मीनिंग है अ पीस ऑफ लैंड, ठीक है। ये रेफर करता है अ काइंड ऑफ सोसाइटी दैट डेवलप्ड इन मेडिवल फ्रांस, और यहाँ पे पीस ऑफ लैंड जो कि रोमन एम्पायर के डेक्लाइन के बाद क्या है ग्रो हुआ था, और यहाँ पर क्या है उसकी डेवलपमेंट को दिखाया गया था मेडिवल फ्रांस में, एक तरीके की जो सोसाइटी है जो अलग अलग थ्री ऑर्डर्स में बटी हुई है, उसको क्या है फ्यूडलिज्म दिखा रहा है। बाद में ये चीज़ें आपकी इंग्लैंड तक, साउदर्न इटली तक क्या है एक्सपेंड हुई, वहाँ तक क्या गई। यहाँ पर हम समझेंगे, देखिए इन टर्म्स में एक इकोनॉमिक सेंस जो है उसको समझने की कोशिश की गई है। फ्यूडलिज्म रेफर करता है अ काइंड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन विच इज़ बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द लॉर्ड्स एंड द पीसेंट्स, थ्री ऑर्डर्स, जिसमें आपका क्या है चर्च बताया गया है, नोबल्स बताया गया है, और उसके अलावा पीसेंट्स बताया गया, चर्च मेन फैक्टर है, ठीक है। अब जो यहाँ पे नोबल्स हैं और उनके नीचे आ जाते हैं पीसेंट, ये आपस में कनेक्ट हैं, किसी से कनेक्ट किए गए हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से, ठीक है, और यही एक रिलेशन बनाते हैं लॉर्ड्स मतलब नोबल्स के बीच में और पीसेंट्स मतलब फार्मर्स के बीच में। द लेटर कल्टिवेटेड देयर ओन लैंड, अ पीस ऑफ लैंड, फ्यूड वर्ड से जो मीनिंग आया है, ठीक है, तो वो ओन लैंड जो है उसको वो कल्टिवेट करते हैं एज वेल एज दैट ऑफ द लॉर्ड, खुद की भी, और कुछ जिनके पास खुद की जमीन है या खुद की जमीन होते हुए भी वो लॉर्ड की जमीन पर काम करते हैं, वहां पर क्या करते हैं प्रोडक्शन करते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करते हैं। ये जो पीजेंट्स है ये परफॉर्म करते हैं लेबर, सर्विस करते हैं किसको, लॉर्ड को, ठीक है, और एक्सचेंज में ये मिलिट्री प्रोटेक्शन मांगते हैं, ठीक है, एक्सचेंज में यहां पर क्या करते हैं, हु इन एक्सचेंज प्रोवाइडेड मिलिट्री प्रोटेक्शन, ठीक है। ये एक्सटेंसिव जो है जुडिशियल कंट्रोल भी बना के रखते हैं, किसकी बात हो रही है, लॉर्ड्स की बात हो रही है, कि लॉर्ड्स जुडिशियल जो कंट्रोल है वो भी बना के रखते हैं पीजेंट्स के ऊपर, ठीक है, वो उनको सर्व करते हैं और ये जुडिशियल कंट्रोल बना के रखते हैं, उनको प्रोटेक्शन भी देते हैं, ठीक है। फ्यूडलिज्म वेंट बियॉन्ड द इकोनॉमिक टू कवर द सोशल एंड द पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ एज वेल, ठीक है, तो एक पीस ऑफ लैंड फ्यूड
वर्ड का मीनिंग था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, प्रोटेक्शन भी दिया जा रहा है, जुडिशियल कंट्रोल भी दिया जा रहा है, तो ये वर्ड आपका इकोनॉमिक स्फीयर से बियॉन्ड चला जाता है। ठीक है, जो फ्यूडलिज्म है इसकी रूट्स की हम बात करेंगे। ठीक है, इनको ट्रेस किया गया टू प्रैक्टिसेस दैट एग्जिस्टेड इन द रोमन अम्पायर, और इस तरीके के सिस्टम को ट्रेस किया गया था, इसकी प्रैक्टिसेस को नोटिस किया गया था रोमन अम्पायर में भी ड्यूरिंग द एज ऑफ द फ्रेंच किंग कार्ल मैग्ने। ठीक है, या चार्ल मैग्ने। यहाँ पे आ जाते हैं उनका जो टाइम पीरियड आपका दिया गया 742 से लेके 814 तक का। फ्यूडलिज्म एज एन एस्टेब्लिश्ड वे ऑफ द लाइफ इन लार्ज पार्ट ऑफ द यूरोप में बी सेट टू हैव अमर्ज्ड लेटर इन द 11th सेंचुरी। ठीक है, तो नोटिस किया गया था फ्रेंच के कौन थे, चार्ल मैग्ने। ठीक है, उनके टाइम से क्या इन चीज़ों को नोटिस किया गया था। अब हम यहाँ पे बात करेंगे फ्रांस की और इंग्लैंड की, दो आपके चैप्टर में ये जो कंट्रीज हैं उनकी हम बात करेंगे। यहाँ पे नाम देखिए, गोल अ प्रोविंस ऑफ द रोमन एम्पायर, ये एक एरिया है रोमन एम्पायर का। ठीक है, हैड टू एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन, इनके पास दो एक्सटेंसिव कोस्ट, फ्रांस एंड इंग्लैंड, इन दो बड़ी टेरिटरीज के बारे में क्या है अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। गोल अ प्रोविंस ऑफ द रोमन एम्पायर, एक एरिया रोमन एम्पायर का, हैड टू एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन, कि उसकी दो कोस्ट लाइन जो थी काफ़ी एक्सटेंसिव थी, माउंटेन रेंजेस थी, लॉन्ग रिवर थी उनके पास, काफ़ी फॉरेस्ट थे एंड लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ द प्लेन सूटेड टू एग्रीकल्चर। ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किससे रिलेट हुआ, फ्यूड से, फ्यूडलिज्म से, तो इनके पास वो सब कुछ था। अब बात करेंगे द फ्रैंक्स अ जर्मन ट्राइब। ठीक है, तो एक फ्रैंक, दो एरिया है, गोल एक फ्रैंक। ठीक है, ये जर्मन ट्राइब का है, गेव देयर नेम टू गोल मेकिंग इट फ्रांस, और इन्होंने जो गोल एरिया था उसको नाम दिया गया किसका, फ्रांस का। 6th सेंचुरी से लेके ये जो रीजन था वाज अ किंगडम रूल्ड बाय फ्रैंकिश, ठीक है, या फ्रेंच किंग्स। ठीक है, इस एरिया को, गोल जो एरिया है इसको रूल किया गया था, फ्रैंकिश या फ्रेंच किंग इसको रूल कर रहे थे, और ये कौन थे, ये फ्रेंच किंग कौन थे, ये क्रिश्चियन थे। ठीक है, फ्रेंच हैड वेरी स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द चर्च, अब क्रिश्चियनिटी से रिलेट हो गया आपका चर्च, और ये जो किंग थे इनके स्ट्रॉन्ग लिंक थे किसके साथ, चर्च के साथ। एक सिस्टम आपका, एक ऑर्डर आपका सामने आ रहा है यहाँ पे, विच वर फर्दर स्ट्रेंथन व्हेन इन 800 द पोप गेव किंग चार्ल्स मैग्ने द टाइटल ऑफ द होल होली रोमन एम्परर। यहाँ पे क्या है कि चर्च का जो हेड था, ठीक है, पोप, उसने चार्ल मैग्ने को एक टाइटल दिया होली रोमन एम्परर का, और यहीं से क्या है, एक उनको सपोर्ट देते हुए उन्होंने एक सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया। ठीक है, एक किंगडम का, ठीक है, फ्रांस की जो एक तरीके से अम्पायर की यहाँ पे क्या हम शुरुआत कह सकते हैं। अक्रॉस अ नैरो चैनल ले द आइलैंड ऑफ इंग्लैंड स्कॉटलैंड विच इन द 11th सेंचुरी वाज कॉन्क्यूड बाय द ड्यूक, एक चैनल, ठीक है, नहर कह सकते हैं। ठीक है, जो क्या है, जो इंग्लैंड आइलैंड है और जो स्कॉटलैंड आइलैंड है उस तक लीड करती है, 11th सेंचुरी की बात है, और इस एरिया को ड्यूक जो है, ठीक है, वो क्या कर लेते हैं, कॉन्क्यूर कर लेते हैं, किससे, फ्रेंच प्रोविंस से। ठीक है, और ये हिस्सा किसका था, नॉर्मैंडी का। यहाँ पे देखिए फ्रांस की जो अर्ली हिस्ट्री है उनके यहाँ पर नाम दिए गए हैं 481 से लेके 840 तक। तो ये जो टेबल है ये एक बार आप रीड कर सकते हैं, और रीड करके क्या है, आपके बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, जिनको क्या आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर, अब बात करेंगे यहाँ पे हम थ्री ऑर्डर्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो थ्री ऑर्डर्स, तीन हिस्से, तीन वर्ग आप कह सकते हैं। फ्रेंच जो प्रीस्ट थे वो बिलीव करते थे कॉन्सेप्ट में, और वो कॉन्सेप्ट कौन सा था, पीपल वर मेंबर ऑफ द वन ऑफ द थ्री ऑर्डर्स, कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है सोसाइटी का, ये सारे के सारे रिलेट करते हैं थ्री ऑर्डर्स के सिस्टम से, डिपेंड करते हैं किसके, एक दूसरे के काम के ऊपर, जैसे चर्च, नोबेलिटी, और नीचे आ जाते हैं आपकी पीजेंट्री, और ये रिलेट करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से, पॉलिटिकल रिलेशन से। ठीक है, यहाँ पर जो बिशप है वो कुछ वर्ड्स स्टेट करते हैं, ठीक है, जो दिए गए हैं हियर बिलो, सम प्रे, अदर फाइट, स्टिल अदर्स वर्क, कि हम कुछ यहाँ पर क्या है, बेशक फाइट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ कामों के लिए हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और यही चीज़ें आपकी क्या हो जाती, द थ्री ऑर्डर्स ऑफ द सोसाइटी वर ब्रॉडली द क्लर्गी, द नोबेलिटी एंड द पीजेंट्री, और जो एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। क्लियर, एक दूसरे से यहाँ पर क्या रिलेट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका दिया गया है, साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे एबे वर्ड दिया गया है, डिराइव फ्रॉम दी सीरियक एबा मीनिंग फादर, एंड एबे वाज अ गवर्न्ड बाय एन अबोट और एन एबस। ठीक है, एक तरीके की एक जगह जिसको क्या है, जिस तरीके से फादर
हाउस को लीड करता है, ठीक है, आपके घर को लीड करता है, उसी तरीके से यहाँ पर जो हेड है उसको क्या है, एबे कहा गया है। सेकेंड हम बात करेंगे, ठीक है, अब एबे में किंग हम कह सकते हैं कि वो हमारा मेन आ जाता है, चर्च जो है हमारी मेन फैक्टर आ जाती है, एक फादर फिगर आ जाती है, ठीक है। तो जो चर्च में जो हेड होते हैं, पोप हैं जिनको हम बोला जाता है, तो क्रिश्चियन रिलीजन जो है उसमें उसको फादर कहा जाता है। द सेकेंड ऑर्डर द नोबेलिटी, ठीक है, नोबेलिटी की बात होगी। प्रीस्ट प्लेस देमसेल्फ इन द फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, जो चर्च थी उन्होंने क्या है अपने आप को फर्स्ट ऑर्डर में रखा, ठीक है, और उसके बाद नोबल्स को सेकेंड ऑर्डर में रखा। नोबिलिटी हैड इन रियलिटी अ सेंट्रल रोल इन सोशल प्रोसेसेस, ठीक है, क्यों, एक मेन ऑर्डर क्यों दिया गया था रियलिटी में, वो मेन क्यों थे, सेंट्रल रोल क्यों था, क्यों, क्योंकि उनके पास लैंड थी, ठीक है, उस लैंड के ऊपर पीजेंट्री लेबर जो हैं वो सर्व करते थे, और यही नोबल्स जो थे, यही जो हेड थे, ये उनको प्रोटेक्शन देते थे, ये उनको क्या करते थे, उनको जुडिशियल कंट्रोल देते थे। तो मेन सेंटर कौन हो गया यहाँ पे, मेन फर्स्ट कैटेगरी में चर्च को दिखाया गया, लेकिन रियलिटी में कौन था, नोबल्स थे। क्लियर, ऐसा क्यों, दिस इज बिकॉज द कंट्रोल लैंड, दिस कंट्रोल वाज द आउटकम ऑफ द प्रैक्टिस कॉल्ड वेसलेज, ठीक है, इस प्रैक्टिस को, क्योंकि उनके पास इतनी ज्यादा जमीन थी, इस प्रैक्टिस को एक प्रोसेस का नाम दिया गया, और प्रोसेस क्या थी आपकी, वेसलेज। द किंग्स ऑफ फ्रांस वर लिंक टू द पीपल बाय वेसलेज, और जो राजा था वो जुड़ा हुआ था इसी प्रैक्टिस से, ठीक है, क्यों, लैंड ओनर से जुड़ा हुआ था, वो लैंड ओनर्स का जो एक तरीके से सोर्स ऑफ इनकम टैक्स जो था, वो टैक्स किसको जाता था, किंग को जाता था, और उससे क्या करता था, वो अपनी जो लग्जीरियस लाइफ है उसको लीड करता था। सिमिलरली जिस तरीके से यहाँ पे वेसलेज जो दिया गया है, ये सेम इसी तरीके की प्रैक्टिस को नोटिस किया गया था जर्मेनिक पीपल में, ठीक है, जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था रोमन अम्पायर के साथ साथ क्या, जर्मेनिक ग्रुप ऑफ पीपल को हमने पढ़ा था, ठीक है, ऑफ हूम द फ्रैंक्स वर वन, और इन्हीं जर्मेनिक पीपल में से फ्रैंक्स भी क्या थे, एक थे। बिग लैंड ओनर जो थे, ठीक है, उनको नोबल्स कहा गया, ठीक है, नोबल्स मतलब वेसल्स ऑफ द किंग, और उसी तरीके से पीजेंट्स वर वेसल्स ऑफ द लैंड ओनर्स, ठीक है, रिलेट कर गए, किंग से रिलेट किया कौन, नोबल, और नोबल से रिलेट किया यहां पर पीजेंट्री, तो एक तरीके से क्या हो गए, उनके वेसल्स हो गए। नोबल मैन ने एक्सेप्ट की, ठीक है, क्या एक्सेप्ट की, सीनियोरिटी, किसकी सीनियोरिटी, किंग की, कि हमारे से सुप्रीम है कौन, किंग, ठीक है, उसी तरीके से पीजेंट्स ने माना अपने आप से सीनियर किसको, नोबल्स को, अपने आप से पावरफुल माना नोबल्स को, और उन्हें क्या, उन्होंने लॉर्ड का नाम दिया, और इसी तरीके से जो वेजल थे, जो नोबल हैं, वो अपनी वेजल को, ठीक है, जो अपर पार्ट है वो सेकेंडरी को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। क्लियर, यहाँ पर ये रिलेशनशिप जो थी एलोब्रेट करती थी उनके रिचुअल्स को, उनके एक्सचेंज ऑफ वाउस, ठीक है, उनकी खुशियों को, उनके दुख को, एक दूसरे से रिलेट करती थी, कनेक्ट करती थी, और ये सारी चीज़ें उठाई गई थी, जो वाउस हैं, ये जो शपथ हैं, ठीक है, ये प्रोमिसेस हैं, ये उठाए गए थे कहाँ से, बाइबल से, ठीक है, बाइबल में इस तरीके के जो टर्म्स एंड कंडीशन थी लिखी हुई थी, और उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या ये चल रहे थे। वेसल्स रिसीव्ड अ रिटन चार्टर और अ स्टाफ और इवन अ क्लोड ऑफ अर्थ एज अ सिंबल ऑफ द लैंड दैट वॉज बींग गिवन टू हिम बाय हिज मास्टर, ठीक है, कि जो सुप्रीम है उसने उन्हें वो चीज़ दी है, ठीक है, इसीलिए उसको क्या लॉर्ड माना गया, इसीलिए उसको क्या सुप्रीम माना गया, उन्हें वो जमीन का टुकड़ा या वो जो कहते हैं ना कि वो सोर्स ऑफ इनकम जो दिया गया है वो दिया है उनके बड़े ने, उनके सुप्रीम ने, इसलिए क्या उसको पावरफुल। यहाँ पर नोबल इंजॉय करते थे, ठीक है, कुछ प्रिविलेजेस, ठीक है, बाय स्टेटस, प्रिविलेज के जो स्टेटस है बाय दी बर्थ, उन्हें कुछ स्टेटस क्या पैदा होते ही मिल जाते थे, ठीक है, एब्सोल्यूट कंट्रोल होता था उनका उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर, उनकी प्रॉपर्टी तो उनका कंट्रोल तो उसी के ऊपर होगा, ठीक है, जितनी चीज़ें वहाँ से आती थी ये सारी की सारी चीज़ें, ही कुड रेज ट्रूप्स कॉल्ड फ्यूडल लेविसेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब वो यहाँ पे मान के चलो कि प्रोटेक्शन दे रहे, प्रोटेक्शन कैसे देंगे, खुद तो जाएंगे नहीं, तो वो क्या करते थे, एक आर्मी अपने पास रखते थे, और वही आर्मी क्या है उनके फ्यूडल जो सिस्टम है उसका एक पार्ट बन जाती है। लॉर्ड जो था, ठीक है, वो कोर्ट लगाता था जुडिशियल प्रोटेक्शन देने के लिए, तो जुडिशियल प्रोटेक्शन देने के लिए कोर्ट होना जरूरी है, ठीक है, जिसमें क्या है जो चीज़ें हैं उनको सुना जाना जरूरी है, लोग वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स लेके आना आएंगे तभी क्या वो सुनेंगे, तो वहाँ पर क्या है कोर्ट जो है कंडक्ट किए जाते थे, और यहाँ पर क्या है खुद की जो चीज़ें हैं उनको क्या है सोल्व करने की एक वहाँ पर क्या प्रोसेस को अपनाया जाता था। ही वॉज ए लॉर्ड ऑफ ऑल द पीपल सेटल्ड ऑन हिज लैंड, कि वो एक तरीके का लॉर्ड किसके लिए, भगवान के लिए वहाँ पर क्या यूज़ किया जाता था वो वर्ड, और किंग जो था वो लॉर्ड था, ठीक है, और वो जितने लोग उसकी ज़मीन पर सेटल्ड हैं
उनको बसाने के लिए, उनको सर्व करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती थी? किंग की होती थी। वो अपने खुद के जो, ठीक है, ही ओन्ड वास्ट ट्रैक्ट ऑफ लैंड विच कंटेन्ड हिज ओन ड्वेलिंग्स, हिज प्राइवेट फील्ड्स, पेस्चर्स एंड होम्स एंड फील्ड्स ऑफ टीनेंट्स पीजेंट्स। ठीक है, कि उसके पास बहुत ज़्यादा जमींदारी होती थी जिसपे क्या है, वो खुद के अपने बस्तियां बसाते थे, अपने महल होते थे उनके खुद के, वहाँ पर क्या बड़े बड़े खेत होते थे और वहाँ पे क्या है जो किसान जो किराए पर पट्टे पर लेके क्या है उस ज़मीन को बोते थे या वहाँ पर ऐसा लेबरर काम करते थे। इनके पास काफ़ी बड़े बड़े घर होते थे, नोबल्स भी किंग भी, ठीक है, इनके पास काफ़ी बड़े बड़े घर होते थे जिनको क्या मैनर कहा जाता था। ये जो हिज प्राइवेट लैंड्स वर कल्टिवेटेड बाय द पीसेंट्स, कि उनके पास इतनी ज़मीन होती थी वो खुद उस पर काम नहीं करते थे, लेबर हायर करते थे, ठीक है, और ये क्या है उनको हेल्प करते थे और ये उनको एज अ सोल्जर भी जो है सर्व करते थे, फुट जो सोल्जर्स हैं उन पर क्या है ये सर्व करते थे जब भी रिक्वायरमेंट होती थी इनको तब, ठीक है, और इसके साथ साथ क्या उनके खेतों में भी काम करते थे। अब यहाँ पे देखिए मैनोरियल इस्टेट्स की बात होगी, मैनोरियल स्टेट बहुत बड़ी ज़मींदारी, ठीक है, काफ़ी बड़े ट्रैक्ट ऑफ लैंड्स जो किसके होते थे, नोबल्स होते थे और इनको नाम दिया जाता था मैनोरियल स्टेट्स का। लॉर्ड के पास, ठीक है, उसका खुद का मैनर हाउस होता था, वो बड़े बड़े जो गाँव थे, काफ़ी गांव जो थे उनको कंट्रोल करता था, ठीक है, हंड्रेड ऑफ विलेज भी काफ़ी बार उनके कंट्रोल में होते थे जिनमें काफ़ी किसान रहते थे, ठीक है, कुछ के पास स्मॉल मैनोरियल स्टेट भी होती थी जिसमें डजन ऑफ फैमिली रहती थी, ठीक है, कुछ के पास काफ़ी लार्जर स्टेट्स भी होते थे, ठीक है, जिसमें क्या है 50 से 60 जो कहते हैं ना कि फैमिलीज उनकी होती थी और काफ़ी बड़े बड़े जो गांव हैं वो भी होते थे। यहाँ पर इनके पास सब कुछ होता था, अब खेत हैं उसमें कुछ भी ये प्रोडक्शन कर सकते थे, तो डेली लाइफ की जो जो चीज़ें थी इनको इनके खुद के स्टेट में ही क्या है स्टेट में मिल जाती थी। यहाँ पर ग्रेन्स हैं, ब्लैकस्मिथ हैं, कारपेंटर्स हैं, ये सारी चीज़ें जो लॉर्ड की थी ये वहाँ पर क्या है उनके लिए सर्व करते थे, मेंटेन करते थे, इनके जो वेपन्स हैं उनको रिपेयर करते थे, ठीक है, स्टोन मैशन जो था इनकी बिल्डिंग्स को देखते थे, वुमेन जो है इनके लिए कपड़े बनाती थी, फैब्रिक बनाती थी, इनके बच्चों के लिए जो दूसरे जो काम थे वो करती थी और जो चिल्ड्रन थे लॉर्ड्स की वाइन जो प्रेसेस थी उनमें काम करते थे, मतलब शराब की जो भट्टियाँ थी उनमें काम करते थे। और इस तरीके से क्या है जो इनके बड़े बड़े वुडलैंड्स जो थे, फॉरेस्ट जो थे, वहाँ पर भी लॉर्ड्स जाते थे हंटिंग के लिए, अपने लेज़र के लिए और बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको अपने कंट्रोल में बनाए रखने के लिए, अपनी खुशी के लिए भी, ठीक है। इनके पास काफ़ी बड़े पेस्चर होते थे, ठीक है, जिनमें क्या ये अपनी कैटल्स जो हैं, अपने जो हॉर्सेस हैं उनको ग्रेस करते थे, ठीक है, और जो चर्च है उसके पास भी काफ़ी बड़ी इस्टेट होती थी, इनके पास कैसल होते थे खुद को डिफेंड करने के लिए, ठीक है, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब 13th century की यहाँ पर बात हो रही, कैसल वर मेड बिगर फॉर यूज एज अ रेजिडेंस फॉर द नाइट्स फैमिली, नाइट, ठीक है, घुड़सवार जो होते हैं उनके लिए, कि बड़े बड़े जो कैसल्स हैं वो बनाए जाते थे ताकि वहाँ पे नाइट्स की फैमिली रह सके। इंग्लैंड कैसल वर पार्टिकली नोन बिफोर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट एंड डेवलप्ड एज सेंटर्स ऑफ द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री पावर अंडर द फ्यूडल सिस्टम। और इन जो इंग्लैंड के जो कैसल्स थे इनको पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के तौर पर, मिलिट्री पावर के सेंटर के तौर पर फ्यूडल सिस्टम में क्या है दिखाया गया, दर्शाया गया। मैनर कुड नॉट बी कंप्लीटली सेल्फ सफिशियंट, मैनर, ठीक है, जो लगाओ कि उनके पास सारी चीज़ें थी, जमींदारी थी, लेकिन सेल्फ सफिशियंट नहीं थे कि उनको काम करवाने के लिए दूसरों पर क्या डिपेंड रहना पड़ता था। बिकॉज सॉल्ट, मिल स्टोन एंड मेटल वेयर हैड टू बी ऑब्टेन फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज, खुद के पे बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन ये तीन चार चीज़ें उनको बाहर से मंगानी पड़ती थी। दोज लॉर्ड्स हु वॉन्टेड अ लग्जेरियस लाइफ एंड वर कीन टू बाय रिच फर्निशिंग्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑर्नामेंट्स नॉट लोकली प्रोड्यूस्ड हैड टू गेट दीज फ्रॉम अदर प्लेसेस, कि ये आइटम उनको जब चाहिए होते थे, ठीक है, ये बाहर से मंगाते थे, दूसरों से मंगाते थे, ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पे एक्सचेंज भी होता था बाहर के जो कंट्रीज हैं या बाहर का जो एरिया था उनके साथ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं किसके बारे में, हम किंग के बारे में, चर्च के बारे में, नोबल्स के बारे में, उनके मैनर के बारे में, ठीक है। अब हम यहाँ पे जानेंगे नाइट्स के बारे में, ठीक है, नाइट वर्ड जो अभी कैसल यूज कर रहे थे 9th century से, ठीक है, देयर वर फ्रिक्वेंट लोकलाइज्ड वॉर्स इन यूरोप, कि वहाँ पे आपस के आसपास के एरिया में आपस में क्या है वॉर्स थे यूरोप में।
एमेच्योर पीजेंट सोल्जर्स वर नॉट सफिशिएंट, जो पैदल चलने वाले थे आसपास के जो सोल्जर थे वो सफिशिएंट नहीं थे इन वॉर के लिए, ठीक है। उनको कुछ बेस्ट चाहिए था, गुड कैवलरी चाहिए थी, ठीक है, जिससे क्या वो चीज़ों को अच्छे तरीके से अपने कंट्रोल में ले सके। और इसीलिए यहाँ पे एक डिमांड ग्रो हुई किस चीज़ की, एक न्यू सेक्शन की, और वो न्यू सेक्शन कौन सा था, नाइट का, ठीक है। देवर लिंक टू द लॉर्ड्स, और ये नाइट सीधे लिंक करते थे लॉर्ड से, ठीक है, और बाद में ये खुद ही डायरेक्ट लॉर्ड से इन्होंने कनेक्शन बना लिया, किसके साथ, राजा के साथ। ये जो नाइट से, ठीक है, सर्व करते थे, और सर्व के बदले इनको क्या है, चीज इनाम के तौर पे दी जाती थी, अ पीस ऑफ लैंड। यहाँ पे बात करेंगे, द फीफ कुड बी इनहेरिटेड, ये जो फीफ पीस ऑफ लैंड जो था, जो उन्हें गिफ्ट में मिलता था, जो इन्होंने राजा ने दिया या लॉर्ड ने दिया, ये नेक्स्ट उनकी जनरेशन के पास क्या, अपने आप ही चला जाता था, ठीक है। इट एक्सटेंडेड टू एनीथिंग बिटवीन 1000 एंड 2000 एकर्स और मोर, इतना एकर्स तक क्या है, ये जो इनका ये जो लैंड था ये क्या एक्सपेंड हो सकता था, इतने तक ये रख सकते थे अपने पास, इंक्लूडिंग अ हाउस फॉर द नाइट एंड हिज फैमिली, अ चर्च एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट टू हाउस हिज डिपेंडेंट बिसाइड अ वाटर मिल, बिसाइड अ वाटर मिल एंड अ वाइन प्रेस। इतनी सारी चीज़ें क्या है इनके पास, इनके कंट्रोल में होती थी, इतनी लग्जूरियस लाइफ जो है इनकी होती थी। नाइट पे करता था, ठीक है, सर्व करता था राजा को उनकी रेगुलर अलग अलग चीज़ों पे, और एक रेगुलर फीस जो क्या है प्रोमिस की जाती थी, प्रोमिस टू फाइट फॉर हिम इन वॉर, और राजा के लिए क्या है प्रोमिस करता था लड़ने के लिए जब भी उसको जरूरत पड़ेगी। इनके पास स्पेशल स्किल्स होते थे, ठीक है, और ये अपना बहुत सारा टाइम प्रैक्टिस में निकालते थे ताकि ये बेस्ट बने रह सके, ठीक है, जब राजा को इनकी ज़रूरत हो उस टाइम पे क्या ये उनको प्रोटेक्ट कर सके, अलग अलग टैक्टिक्स से क्या है उनको प्रोटेक्ट कर सके, अपनी पावर को बना के रख सके, अपनी लॉयलिटी ये बना के रखते थे लॉर्ड के साथ, ठीक है। फ्रांस की हम बात करेंगे, 12th century की यहाँ पर बात हो रही है। मिनिस्टर्स जो थे वो ट्रेवल करके गए, कहाँ से, मैनर से, और दूसरे मैनर तक। यहाँ पे क्या है NCERT में दिया है कि वो गाने गाते हुए, जिसमें क्या लॉर्ड की स्टोरीज को वो बता रहे कि किस तरीके से वहाँ पर चीज़ें हो रही थी, क्या क्या उस टाइम पे सिचुएशन थी, ठीक है, उनको क्या है दिखाया गया। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर द क्लर्गी, ठीक है, कैथोलिक चर्च जो थी, ठीक है, इसके खुद के जो कहते हैं ना कि जो क्रिश्चियनिटी है दो हिस्सों में, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, तो यहाँ पे बात हो रही है जो चर्च है वो कैथोलिक है, ठीक है, तो जो कैथोलिक चर्च है इसके खुद के अपने लॉज हैं, ठीक है, इनके पास खुद की अपनी ज़मीन है जो उनको किसने दी है, रूलर्स ने दी है, ठीक है, ये टैक्स लगा सकते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन को रिकॉल कीजिए जो कि आपने 9th में किया था, टीथोतियाल, ठीक है, ये टैक्सेस लगा सकते हैं, ठीक है, ये एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, और ये डिपेंड नहीं करता है किंग के ऊपर, मतलब इनकी खुद की इंडिविजुअल आइडेंटिटी है सोसाइटी में, ये जो ऑर्डर्स हैं इनमें खुद की इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, किंग के रिप्लेस होने से, चेंज होने से इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनकी आइडेंटिटी पे, इनकी जो स्ट्रेंथ है, इनकी जो पोजिशन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एट द हेड ऑफ द वेस्टर्न चर्च वाज द पोप, ठीक है, वो रोम में रहता है, ठीक है, और क्रिश्चियन जो यूरोप है वो गाइड किए जाते हैं बाय द बिशप्स, बाय द क्लर्क्स, ठीक है, ये उनको बताते हैं कि किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें करनी हैं, किन गाइडलाइंस पे तुम्हें चलना है। हु कॉन्स्टिट्यूटेड द फर्स्ट ऑर्डर, मोस्ट विलेजेस हैड देयर ओन चर्च, हर एक गांव में, ठीक है, उनकी खुद की चर्च थी, यहाँ पर लोग असेंबल होते थे संडे को, प्रे करते थे, ठीक है, और क्या है जो लॉर्ड है, जो जीसस क्राइस्ट है, उनको क्या है ये यहाँ पर होमेज देते हैं। एवरीवन कुड नॉट बिकम अ प्रीस्ट, कोई भी अपनी इच्छा से वहाँ पर प्रीस्ट नहीं बन सकता था। सर्फ वर बैंड एज वर द फिजिकली चैलेंज्ड, ठीक है, जो सर्फ थे उनको बैन किया गया था, जो फिजिकली चैलेंज थे, वुमेन कुड नॉट बिकम प्रीस्ट, फिजिकली जो चैलेंज थे उनको बैन किया गया था कि वो क्या प्रीस्ट नहीं बन सकते, वीमेन जो है वो प्रीस्ट नहीं बन सकती थी, जो मेन थे, ठीक है, वही क्या प्रीस्ट बन सकते थे, और कौन जो प्रीस्ट था वो मैरिज नहीं करेगा, ठीक है। बिशप वर दी रिलीजियस नोबेलिटी, लॉर्ड जो यहाँ पे उनके खुद के लैंड इस्टेट्स थे, बिशप जो था उनके पास भी खुद की काफ़ी बड़ी जमींदारी थी, इनके पास भी बड़े बड़े पैलेसेस थे। चर्च जो था वो 10th जो हिस्सा था, ठीक है, जो भी प्रोडक्शन है वो टैक्स के तौर पर ले सकता था, ठीक है, टीथ जो टैक्स है वो ले सकता था, जिससे क्या है वो चर्च का ही राइट था, ठीक है। मनी ऑल्सो केम इन द फॉर्म ऑफ द एंडोमेंट्स मेड बाय द रिच फॉर देयर ओन वेलफेयर, वो जो पैसा है इसको खुद के वेलफेयर के लिए वो यूज़ कर सकते हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं उनके लाइव्स को
डिसीज करने के लिए, वेलफेयर के उनके लिए क्या है ये यूज कर सकते हैं। क्लियर। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सेरेमनीज कंडक्टेड बाय द चर्च ऑक्यूपाइड फॉर्मल कस्टम्स ऑफ द फ्यूडल एलीट, कि उनको कुछ काम दिए गए थे जो क्या पर्टिकुलर वही कर सकते हैं। ठीक है, द एक्ट ऑफ नीलिंग वाइल प्रेइंग विद हैंड्स क्लैस्ट एंड हेड बोर्ड, जिस तरीके से वो करते हैं ये जो पोजीशन है, ठीक है, इस पोजीशन में क्या करते थे, वो प्रे करते थे, ठीक है, गॉड को होमेज देते थे। क्लियर। तो यहां पे आपने पढ़ा। इसके बाद आ जाता है मोंक्स, सन्यासी जो है, ठीक है, जो एक फैमिली लाइफ जो है, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं, ठीक है, सेल्वेशन के पाथ पर जो चलना चाहते हैं उनको क्या है, मोंक कहा गया है। ठीक है, चर्च के अलावा एक ग्रुप यहाँ पर आपका दिया दिखाया गया है, बताया गया, वो कौन सा है, मोंक है। ये एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो रिलीजियस जो चीज़ें हैं उनको स्प्रेड करते हैं, चारों तरफ फैलाते हैं लोगों को, इस तरीके से ये क्या करते हैं, अवेयर करते हैं, गॉड के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और खुद क्या करते हैं, ये आइसोलेटेड जो लाइफ्स हैं, ठीक है, लाइफ जो है वो लीड करते हैं, ठीक है, अपने आप को बाकी के जो सुख सुविधाएं उनसे क्या काट कर रखते हैं। ये जो कम्युनिटीज़ है, ठीक है, दे लिव्ड इन रिलीजियस कम्युनिटीज़ कोल्ड एबेस और मोनेस्ट्रीज, ठीक है, जो राजा की दी हुई जो जगह थी, मोनेस्ट्री जो थी, आश्रम जिनको नॉर्मल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, वहाँ पर ये रहते थे, और ये एक तरीके का ह्यूमन हैबिटेशन था कि यहाँ पे क्या करेंगे, भगवान से कनेक्ट होंगे, तपस्या करेंगे, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें क्या यहाँ पर ये करेंगे। बहुत सारी मोनेस्ट्रीज क्या वहाँ पर देखी गई थी। ठीक है, इटली यहाँ पर बात करेंगे, मोनेस्ट्रीज वर दोज इस्टेब्लिश बाय द सेंट बेनेडिक्ट इन इटली, इटली में 529 में, क्लनी इन बर्गंडी इन 910 में, ये दो क्या है यहाँ पर मोनेस्ट्रीज का एग्जांपल दिया गया। मोंक्स क्या करते हैं, प्रोमिस करते हैं, ठीक है, कुछ क्या करते हैं, वो प्लेज लेते हैं, ठीक है, प्रतिज्ञा करते हैं कि वो जो रिमेनिंग उनकी लाइफ है, ठीक है, वो एबे में गुजारेंगे, एक नॉर्मल लाइफ गुजारेंगे, प्रेयर भगवान के लिए करते रहेंगे, ठीक है, स्टडी करेंगे, मैनुअल लेबर करेंगे, ठीक है, फार्मिंग वगैरह, मतलब अपनी जो अर्निंग है वो खुद अर्न करेंगे, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर क्या है करेंगे। ये सारी चीज़ें आपकी किसके, मोंक्स के लिए बताई गई थी। जो स्मॉल कम्युनिटी मोंक्स की थी, इसमें 10 और 20 मैन और वुमेन हो सकते थे, ठीक है, ये क्या है, अलग अलग जगह पर रहते थे, जो मोनेस्ट्रीज थी उनमें रहते थे, और धीरे धीरे क्या है इनकी जो नंबरिंग थी ये बढ़ जाती थी, कई बार 100 तक भी चली जाती थी, ठीक है, और इसीलिए क्या है इनके पास, इनको रखने के लिए क्या है बहुत सारी जो लार्ज बिल्डिंग थी वो भी क्या थी, इस्टेट्स भी ऐसी होती थी जहाँ पर क्या है ये रहते थे, और इनके साथ अटैच किए जाते थे स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स उन जगहों पर, ठीक है, ये कंट्रीब्यूट करते थे आर्ट्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ताकि क्या है जो चीज़ें इन्हें आती हैं उन चीज़ों को, उस कल्चर को क्या ये आगे बढ़ा सके। क्लियर, ये सारी चीज़ें क्या यहाँ पर आपकी बताई गई हैं। ये देखिए चर्च दिखाया गया है, इसके बाद यहाँ पे ये इमेज देखिए, इसमें दिखाया गया है बेनेडिक्टाइन दिखाया गया है, ठीक है, किस तरीके से वो मैन्युस्क्रिप्ट कर रहे हैं, चीज़ों को बता रहे हैं, ठीक है, वुड कट करके। इसके बाद यहाँ पे देखिए बात करेंगे हम द चर्च एंड द सोसाइटी। पहले ही आपको बताया जा चुका है चर्च मेन पावर थी, ठीक है, उसके पास काफ़ी जमींदारी थी। अब एक तो प्रॉपर्टी के बेस पे वो स्ट्रांग थी, दूसरा रिलीजियस बेस पर वो स्ट्रांग थी, वो टैक्स लेती थी, ठीक है, किससे, सोसाइटी से, जो पीजेंट्री थी उससे क्या वो टैक्स लेती थी। दो यूरोपियन बिकेम क्रिश्चियन, दे स्टिल हेल्ड ऑन द सम ऑफ देयर ओल्ड बिलीव्स इन मैजिक एंड फोक ट्रेडिशन, कि बेशक वो क्रिश्चियन थे लेकिन फिर भी उनकी ओन स्टोरीज थी, कुछ मैजिक था, ठीक है, क्रिसमस का, ईस्टर का, ये मेन डेट्स थी उनकी, कब से, 4th century से, जीसस का जो, क्राइस्ट का जो बर्थ था, ठीक है, जो सेलिब्रेट किया जाता है 25th December को, ठीक है, रिप्लेस एन ओल्ड प्री रोमन फेस्टिवल द डेट ऑफ विच वाज कैलकुलेटेड बाय द सोलर कैलेंडर, ठीक है, बट इट्स डेट वाज नॉट अ फिक्स्ड वन बिकॉज इट रिप्लेस्ड एन ओल्डर फेस्टिवल टू सेलिब्रेट द कमिंग ऑफ स्प्रिंग आफ्टर अ लॉन्ग विंटर, ठीक है, यहाँ पे क्या दिखाया गया कि एक मौसम का जो बदलाव आता है अब उसको चेंज किया जा रहा था एक एग्जैक्ट डेट से, ठीक है, ओल्डर सिस्टम को न्यूअर सिस्टम से क्या यहाँ पर एक्सचेंज किया जा रहा था, ठीक है, जो एक लूनर कैलेंडर में क्या यहाँ पर डाला गया था। ये किसको सेलिब्रेट करता था, क्राइस्ट के बर्थ को सेलिब्रेट करता था, और ये जो फेस्टिवल है क्रिश्चियनिटी के लिए काफ़ी मेन है, ईस्टर जो है उनके लिए काफ़ी मेन है, और इसको क्या है काफ़ी
जोर शोर से कहें मनाते हैं। द थर्ड ऑर्डर पीजेंट्री, फ्री एंड अनफ्री। जिसके पास खुद की प्रॉपर्टी थी वो फ्री थे, जिसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं थी, मतलब जिसने लोन ले रखा है, जो एज अ लेबर काम कर रहे हैं, वो क्या है, फ्री नहीं था। अब इन टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। वास्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल, ठीक है, जो ज्यादा मेजोरिटी थी वो कौन सी थी आपकी, पीजेंट्री, द थर्ड ऑर्डर, ठीक है। दोज हु सस्टेन्ड द फर्स्ट टू ऑर्डर्स, ठीक है, जो क्या करते थे, डिपेंड करते थे दो ऑर्डर्स पर। कल्टिवेटर्स वर ऑफ टू काइंड, फ्री पीजेंट, जिनकी खुद की जमीन थी, जिनको क्या है, सर्फ भी कहा जाता था, ठीक है। फ्री पीजेंट्स के पास खुद के खेत थे, ठीक है, ये एज अ टीनेंट्स ऑफ द लॉर्ड थे, क्लियर। मैन हैड टू रेंडर मिलिट्री सर्विस, जो जेंट्स थे उनको मिलिट्री सर्विस देनी पड़ती थी अकॉर्डिंगली, जब भी रिक्वायरमेंट होती थी उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। द आउटपुट फ्रॉम द सच लेबर कोल्ड लेबर रेंट, ठीक है, और कुछ क्या थे आपके यहाँ पर, क्या है, काम करते थे दूसरों के खेतों में, और इसको क्या एक तरीके का आप रेंट कह सकते हैं कि काम किया और काम करने के बाद क्या उनको वेजेस दे दिए गए, ठीक है। दे कुड बी रिक्वायर्ड टू डू अदर अनपेड लेबर सर्विसेज, कि घर के कुछ काम या लोड के अकॉर्डिंग जो दूसरे काम थे वो भी इनको करने पड़ते थे, जैसे लकड़ी इकट्ठा करके आना, ठीक है, डिगिंग करना, ठीक है, बिल्डिंग फेंसेस लगाना, रोड रिपेयर करना, इस तरीके के काम क्या इनको करने पड़ते थे। सर्फ कल्टिवेट करते थे, ठीक है, प्लॉट्स ऑफ लैंड, बट दीज बिलोंग टू द लॉर्ड, ठीक है, ये सारी चीज़ें बिलोंग करती थी किससे, लॉर्ड से बिलोंग करती थी। मच ऑफ द प्रोड्यूस फ्रॉम दिस लैंड टू बी गिवन टू द लॉर्ड, और जो प्रोडक्शन था उसका मेजोरिटी ऑफ पार्ट किसको दिया जाता था, लॉर्ड को दिया जाता था, ठीक है, और उसी की परमिशन से जो चीज़ें थी वो चेंज की जाती थी, या चेंज करना चाहते तो उसकी परमिशन के बिना उन चीज़ों को चेंज नहीं किया जा सकता था। सर्फ कुड यूज ओनली देयर लॉर्ड्स मिल टू ग्राइंड देयर फ्लोर, कि जो सर्फ था, ठीक है, वो जो आटा है उसको पीसने के लिए, बाकी की चीज़ों के लिए जो लॉर्ड है उन्हीं चीज़ों को, उनकी जो ग्राइंडिंग की जो चीज़ें उनको यूज़ कर सकते थे, बाकी नहीं। इंग्लैंड की यहाँ पे बात हो रही है, देखिए फ्यूडलिज्म जो डेवलप हुआ था इंग्लैंड में कब, 11th सेंचुरी में, ठीक है, यहाँ पर आपका दिया गया है द एंजल्स, द सेक्शंस, ठीक है, सेक्शंस जो दिए गए सेंट्रल यूरोप के, ये सेटल्ड हुए इंग्लैंड में कब, 6th सेंचुरी में। उसके बाद जो कंट्री का नेम है इंग्लैंड जो है वो अलग अलग वेरिएंट ऑफ एंजल लैंड से लिया गया, एंजल लैंड, ठीक है, जिसको क्या बना दिया गया, इंग्लैंड बना दिया गया। 11th सेंचुरी में विलियम द ड्यूक ऑफ द नॉर्मैंडी, उसने क्रॉस किया इंग्लिश चैनल को, ठीक है, किसके साथ, अपनी आर्मी के साथ, डिफीट किया सेक्सन किंग को, जो इंग्लैंड का किंग था, ठीक है। उस टाइम से फ्रांस और इंग्लैंड जो थे, ठीक है, ये आपस में लड़ाई करते ही रहते थे बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट ओवर टेरिटरी और ट्रेड, और ये लड़ाई इनके बीच में क्यों होती थी, ट्रेड और टेरिटरी को लेके, ठीक है। विलियम फर्स्ट हैड द लैंड मैप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इट्स इन सेक्शंस टू 180 नॉर्मन नोबल्स हु हैड माइग्रेटेड विद देम, ठीक है, कि यहाँ पे उसने मैपिंग की और डिस्ट्रीब्यूट किया अलग अलग 180 नॉर्मन्स को, नोबल्स को, ठीक है। लॉर्ड्स बिकेम द चीफ टीनेंट्स ऑफ द किंग, कि किंग के नीचे चीफ टीनेंट कौन थे, लॉर्ड, और उसके नीचे कौन आ जाते हैं, पीजेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, इनके बीच में सर्फ आ जाते हैं। दे सून बिगिन टू गिफ्ट सम ऑफ देयर ओन लैंड्स टू नाइट्स हु वुड सर्व देम जस्ट एज दे इन टर्न सर्व द किंग। पहले भी हम डिस्कस कर चुके कि राजा खुश होके, लॉर्ड खुश होके नाइट्स को क्या देते थे, जमींदारी दे देते थे, ठीक है। अब देखिए हम बात करेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक सेक्शंस, ठीक है, वहां पर कुछ फैक्टर्स थे जो अलग अलग जो सोसाइटी थी उसके सोशल और इकोनॉमिक जो रिलेशंस हैं उनको इफेक्ट करते थे। इसमें देखिए फर्स्ट आपका आ जाता है एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट किसी भी जगह का है, ठीक है, गर्म हो जाना, ठीक है, ठंडा हो जाना, ये चीज़ें जो हो जाती हैं ये क्या कर देती हैं, हमें उस जगह से हटने के लिए या उस जगह तक जाने के लिए मजबूर कर देती है, अट्रैक्ट या डिस्ट्रैक्ट। तो एनवायरनमेंट आपका क्या हो गया, यहाँ पे मेन फैक्टर हो गया, क्लाइमेटिक चेंज हम जिसको कह सकते हैं कि एकदम से क्लाइमेटिक चेंज हो जाना, क्लाइमेट जो होगा फेवरेबल होगा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो अच्छा होगा तो थ्री ऑर्डर्स जो है आपके वो बेस्ट तरीके से रहेंगे, ठीक है, और इसी तरीके से एग्रीकल्चर एक्सपेंड करने के लिए भी क्या है इन चीज़ों को चेंज किया गया। लैंड यूज देखिए एग्रीकल्चर जो थी उस टाइम पे टेक्नोलॉजी वो काफ़ी प्रिमेटिव थी, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जो है मैकेनिकल एड जो है वो अवेलेबल करवाई गई पीजेंट्स को, ठीक है, जैसे वुडन प्लो यहाँ पे दिया गया, ठीक है, और जिसके साथ क्या टीम ऑफ ऑक्शंस दिया गया कि जहाँ पे जो मैन लेबर थी उसको रिप्लेस कर दिया गया एनिमल से, ठीक है। तो इस तरीके से जो लैंड यूज था एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता था, ट्रेडिंग के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है,
जो वाइन प्रेसेस हैं उनके लिए यूज़ किया जाता था, ग्रेन ग्राइंडिंग के लिए यूज़ किया जाता था, फॉरेस्ट होते थे वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके की बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है वहाँ पर की जाती थी और जिसके लिए क्या है लैंड को यूज़ किया जाता था। न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, नई नई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वहाँ पर क्या है डेवलप हो रही थी, और न्यू टेक्नोलॉजी क्या होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा, जो लेबर का बर्डन है वो कम होगा, ठीक है। और जो टैक्सेस हैं या जो यहाँ पर टैक्स दे रहे हैं चर्च को दे रहे हैं, ठीक है, नोबल को दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी अच्छी हो रही है, और पीसेंट जो हो अच्छा प्रोडक्शन होने के कारण अपनी फैमिली के लिए अपनी जो चीज़ें उनके लिए भी क्या है अच्छा कर सकते हैं। देखिए, देयर वर ऑल्सो चेंजेस इन लैंड यूज। द मोस्ट रेवोल्यूशनरी वन वाज दी स्विच फ्रॉम अ टू फील्ड टू अ थ्री फील्ड सिस्टम। टू फील्ड से थ्री फील्ड सिस्टम पे क्या है स्विच किया गया, चेंज किया गया। इस सिस्टम में पीसेंट कुड यूज अ फील्ड टू ईयर्स आउट ऑफ थ्री, ठीक है, तीन में से दो साल उसको यूज करेगी। इफ दे प्लांटेड इट विद वन क्रॉप इन ऑटम एंड अ डिफरेंट क्रॉप इन स्प्रिंग अ ईयर एंड हाफ लेटर, दैट मीन द फार्मर कुड ब्रेक देयर होल्डिंग्स इन टू थ्री फील्ड्स, ठीक है, कि कंटिन्यू ईयर बाय ईयर क्या है उस पर वो कल्टिवेशन नहीं करेंगे, उसको थोड़ा सा क्या है वो रेस्ट देंगे। द सेकेंड कुड बी यूज इन स्प्रिंग टू रेज पीज बीन्स एंड लेंटिल्स, ठीक है, कि एक बार ग्रेनरीज हैं उसके बाद वहाँ पर क्या कर ग्रेन्स हैं, और दूसरी बार क्या वहाँ पर दूसरी चीज़ें क्या है प्रोडक्शन को हाई करने के लिए, फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए वहाँ पर क्या चीज़ें इस तरीके से चेंज की गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए द फोर्थ ऑर्डर न्यू टाउन्स एंड द टाउन्स पीपल। अब तक आपने देखा जहाँ पे चर्च है, ठीक है, पीजेंट्री है, ये सारी चीज़ें देखी। अब फोर्थ ऑर्डर की यहाँ पे बात हो रही है, एग्रीकल्चर जो है एक्सपेंशन हुआ, ठीक है, बढ़ा। इससे क्या है जो ग्रोथ थी अलग अलग चीज़ों की वो बढ़ी, जैसे पॉपुलेशन बढ़ा, ट्रेड बढ़ा, ट्रेड बढ़ा, पॉपुलेशन बढ़ी, तो टाउन्स नए नए क्या है वहाँ पर डेवलप हुए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, फ्रॉम रफली 42 मिलियंस इन 1000 यूरोपियंस पॉपुलेशन स्टूड एट 62 मिलियन अराउंड 1200 एंड 73 मिलियन इन 1300। इतनी एकदम से बढ़ती हुई पॉपुलेशन थी, ठीक है। अब इनको क्या चाहिए, बेटर फूड चाहिए, ठीक है, और अच्छा खाना खाएंगे किसके लिए, अच्छी हेल्दी लाइफ के लिए। 13th सेंचुरी की यहाँ पे बात करेंगे, एवरेज जो यूरोपियन थी, ठीक है, कुड एक्सेप्ट टू लिव 10 ईयर्स लॉन्गर देन इन द 8th सेंचुरी, कि अब उनकी 10 साल की उम्र जो थी, ठीक है, वो बढ़ चुकी थी। वीमेन एंड गर्ल्स हैड शॉर्टर लाइफ स्पैन्स कंपेयर टू द मैन, कि जो जेंट्स हैं उनके कंपैरिजन में फीमेल्स की जो थी लाइफ वो कम थी, क्यों, क्योंकि उनको उतना ज़्यादा वहाँ पर खाना जो है नहीं दिया जाता था। रोमन एम्पायर में ही नए नए टाउन्स जो इस्टेब्लिश होने लगे थे, लेकिन टाउन्स ऑफ द रोमन एम्पायर हैड बिकम डेजर्टेड एंड रूइंड आफ्टर इट्स फॉल। वो राजा का अम्पायर जब कोलैप्स हो गया तो उनकी देखरेख करने के लिए, उनको संभालने के लिए वहाँ पर लोग ही नहीं रहे, ठीक है, तो वो चीज़ें आपकी क्या होगी, कोलैप्स होगी। 11th सेंचुरी में एग्रीकल्चर इंक्रीज हुआ और सस्टेनेबिलिटी जो है हायर हुई, पॉपुलेशन बढ़ी, नए नए टाउन्स क्या वहाँ पर उभर कर आए, और नए नए जो चीज़ें थी नई नई जगहों पर जाकर लोग क्या वहाँ पर बसने लगे, ठीक है। अलग अलग सोर्स ऑफ जो टैक्सेस थे वो क्या है बढ़ने लगे, ठीक है। यहाँ पर क्या आपके उसी डाटा को क्या है बताया गया। अब यहाँ पे बात करें कैथेड्रल टाउन्स की, ठीक है, टाउन्स नए डेवलप हुए, उसमें से देखिए, वन ऑफ द वेज द रिच मर्चेंट स्पेंट देयर मनी वाज बाय द मेकिंग डोनेशंस टू द चर्च। अपने आप का दिखाने के लिए, ठीक है, जो रिच मर्चेंट्स है वो क्या करते थे, डोनेशन देते थे किसको, चर्च को। 12th सेंचुरी की बात हो रही, जो लार्ज चर्च है उनको क्या कहा गया, कैथेड्रल्स कहा गया, ठीक है। और जहाँ पे इस तरीके की, जिस सिटी में इस तरीके की जो चर्च थी, ठीक है, इस तरीके के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी, उनको क्या कैथेड्रल टाउन्स कहा गया, कि लोग वहाँ पर क्या, जैसे एग्जांपल के लिए इंडिया का एग्जांपल लें, आप वैष्णो देवी जा रहे हो, आप हरिद्वार जा रहे हो, ठीक है, तो वो सेंटर ऑफ, ठीक है, अयोध्या जा रहे, तो इसी तरीके से क्या है जो इस तरीके के टाउन्स हैं उनको क्या है वहाँ पर क्रिश्चियनिटी से रिलेट करते हुए कैथेड्रल टाउन्स कहा गया, ठीक है। यहाँ पर लोग आते थे किस चीज़ के लिए, पिलग्रिमेज के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम, देखिए नेक्स्ट आ जाता है द क्राइसिस ऑफ द 14th सेंचुरी। क्राइसिस ऑफ द 14th सेंचुरी, 14th सेंचुरी में कुछ क्राइसिस हुए, उनका हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अर्ली 14th सेंचुरी की बात हो रही है, यूरोप में इकोनॉमिक एक्सपेंशन जो था वो धीरे होने लगा, ठीक है। इसके तीन यहाँ पे फैक्टर आपके दिखाए गए। नॉर्दर्न यूरोप की बात करेंगे, द एंड ऑफ द 13th सेंचुरी वार्म समर, गर्मी वहाँ पर बढ़ गई, ठीक है, ये एक फैक्टर था। ऑफ द प्रीवियस 300 ईयर्स हैड गिवन टू बिटरली कोल्ड समर्स
सीजन्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स वर रिड्यूस बाय अ मंथ एंड इट बिकेम डिफिकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स। रीजन समझ में आया कि गर्मी बढ़ गई और फसल उगाने के लिए सिर्फ एक क्या है, एक महीना ही क्या है इनको मिला, जिसमें क्या है ये सर्वाइव किस तरीके से करेंगे। अपॉर्चुनिटीज जो थी, ठीक है, वो ऑफर नहीं हो रही थी, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ पर क्या है नहीं थी, ठीक है, और लार्ज स्केल ठीक है रिक्लेमिनेशन थी लैंड की, फॉरेस्ट की, पेस्चर की, एग्रीकल्चर के लिए, वो चीज़ें क्या आपकी डिक्लाइन होने लगी, ठीक है, एक्सटेंसिव प्लफिंग यहाँ पर की जाने लगी, वो जो सिचुएशन जिससे क्या पहले करके वो प्रोडक्शन बढ़ा रहे थे अब वो चीज़ें भी एक्सोस्टेड होने लगी, ठीक है, सोयल की फर्टिलिटी लूज होने लगी, ये सारी चीज़ें क्या यहाँ पर आपका 1315 से लेकर 1317 तक का जो दिया गया, 1320 की जो बात हो रही है यहाँ पर क्या कैटल की बहुत सारी जो है डेथ हो गई, ठीक है। इसके बाद देखिए इस एडिशन में ट्रेड जो था, ठीक है, उसको भी सिवियर जो शॉर्टेज ऑफ मेटल मनी की ही यहाँ पर क्या नोटिस करनी पड़ी, जिससे क्या ट्रेड में ऑस्ट्रिया से जो ऑस्ट्रिया की सिल्वर माइंस थी वहाँ से जो मटेरियल आता था वो क्या है आना बंद हो गया, और जिससे क्या है इनका जो करेंसी बन रही थी वो क्या है बंद हुई, कमी आई, और ये भी एक मेन फैक्टर था। वर्स्ट वाज येट टू कम, सबसे बुरा क्या था यहाँ पे देखिए, ट्रेड एक्सपेंड इन द 13th and 14th century, ठीक है, शिप्स कैरिंग गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट कंट्रीज, दूर दूर से चीज़ें लेके आते थे, सेल्फ सुफिशियंट नहीं थे, पहले हम डिस्कस कर चुके, कुछ चीज़ें इनको बाहर से लानी पड़ती थी, और वो कहाँ पे आती थी, यूरोपियन पोर्ट्स पे आती थी। अलोंग विद द शिप्स केम रेट्स, और यहाँ पर क्या आए, रेट्स भी आए, वेस्टर्न यूरोप का जो हिस्सा था, ठीक है, यहाँ पर क्या है जो पहले आइसोलेटेड था लेकिन वाज हिट बाय द एपिडेमिक बिटवीन 1347 टू 1350 की, यहाँ पे एक एपिडेमिक आया, ठीक है, द मॉडर्न एस्टिमेटेड ऑफ द मोर्टिलिटी इन दैट एपिडेमिक इज दैट 20% ऑफ द पीपल ऑफ द होल यूरोप डाइड, ठीक है, यहाँ पर क्या इस तरीके की बीमारी फैली जो पहले 20 थी 20% पीपल को, और बाद में क्या है 40% तक क्या पॉपुलेशन यहाँ पर लूज करने लगी, ठीक है, तो तीन फैक्टर्स आपको समझ में आए। ट्रेड जो सेंटर्स थे, ठीक है, यहाँ पर सिटीज़ वर दी हार्डेस्ट, ठीक है, काफ़ी मुश्किल था उनके लिए यहाँ पर सर्वाइव कर पाना, पॉपुलेशन का यहाँ पर रह पाना, ठीक है, और धीरे धीरे क्या पॉपुलेशन आपकी क्या यहाँ पर गिरने लगी। दिस कैटेस्ट्रोफी कंबाइन विद द इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है, कॉज्ड इमेंस सोशल डिसलोकेशन, डीपॉपुलेशन रिजल्टेड इन मेजर शॉर्टेज ऑफ लेबर, की पॉपुलेशन घटने लगी और उनके पास क्या शॉर्टेज होने लगी लेबर की, इम्बैलेंस हो गया एग्रीकल्चर के और जो मैन्युफैक्चर हैं उनके बीच में। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो क्या वहाँ पर उन चीज़ों को नेगेटिव लेके जा रहे थे। सोशल अनरेस्ट, इनकम ऑफ लोर्ड्स वॉज दस बैडली हिट, ठीक है, ये जो ऊपर के फैक्टर्स आपने पढ़े अभी डिस्कस किए, इसने जो लोड्स थी उनकी इनकम को काफ़ी क्या कहते हैं यहाँ पर हिट किया। एग्रीकल्चर जो प्राइसेस थे वो भी काफ़ी गिर गए, लेबर के वेजेस थे वो बेशक इंक्रीज हुए क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ पर क्या थी घट रही थी, ठीक है, डिप्रेशन की सिचुएशन यहाँ पर बनी, ठीक है, मनी जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे दे हैड एंटर्ड इन टू एंड रिवाइव लेबर सर्विसेज, की खुद को सर्वाइव करने के लिए जिस तरीके से लेबर के जो वेजेस थे वो बढ़े उस तरीके से चीज़ों की कीमतें भी वहाँ पर क्या है बढ़ी, और जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट थे वो भी क्या है बढ़ी, ठीक है। दिस वॉज वोलेंटली अपोज्ड बाय पीजेंट्स पर्टिकुलरली द बेटर एजुकेटेड एंड मोर प्रोस्पेरियस मन, इन चीज़ों को वहाँ पर क्या अपोज किया गया कि ये चीज़ें क्या हैं गलत हैं, ठीक है, थीके? तो ये जो सिचुएशन थी वहाँ पर क्या है नोटिस की गई। अब यहाँ पर देखिए 11th to 14th centuries कुछ सिचुएशन यहाँ पे आपकी दी गई, ग्रेट फेमाइन आया था, ब्लैक डेथ आई थी जो रेट्स की आई थी, ठीक है, जिससे बहुत सारे लोग मरे थे, उस प्लेग को क्या है यहाँ पर ब्लैक डेथ के नाम से जाना गया था। अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल चेंज की, ठीक है, पॉलिटिकल चेंज को हम डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट्स इन द पॉलिटिकल स्फीयर पैरेलल्ड सोशल प्रोसेसेस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी, जैसे आपकी सोसाइटी ग्रो कर रही है, सोसाइटी स्ट्रांग है तो पॉलिटी भी आपकी क्या अपने आप ही स्ट्रांग है, सोसाइटी यहाँ पे आपकी क्या है ऐसे इनस्टेबल है तो आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन भी इसी तरीके की रहेंगे। 15th और 16th century की बात हो, यूरोपियन किंग जो है स्ट्रेंथ कर रहे थे अपनी मिलिट्री को, अपनी फाइनेंशियल पावर को, पावरफुल न्यू स्टेट्स जो हैं वो क्रिएट किए जा रहे थे कहाँ पर, जो यूरोप था उस यूरोप में, इकोनॉमिक चेंजेस जो है यहाँ पर अलग अलग जगह नोटिस किए जा रहे थे, हिस्टोरियन यहाँ पर इन चीज़ों को देख रहे थे और देख के क्या समझ रहे थे, और उन किंग्स को अलग नाम दे रहे थे द न्यू मोनार्की, ठीक है, न्यू मोनार्क्स, लुइस यहाँ पे 11th की बात हो रही है फ्रांस की, ठीक है, मैक्समिलियन ऑस्ट्रिया, हेनरी 7th इन इंग्लैंड,
एसाबेले एंड फेडरिनेंड इन स्पेन, ये एब्सोल्यूट मोनार्च थे, ठीक है, रूलर थे, और जिन्होंने क्या है अलग अलग जो आर्मी थी, स्टैंडिंग आर्मी जो थी, परमानेंट ब्यूरोक्रेसी जो थी, एक नेशनल टैक्सेशन जो था, वो क्या इन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया। स्पेन में, पुर्तगाल में, अलग अलग जगहों पर एक्सपेंशन ओवरसीज जो था वो भी एक मेन रोल प्ले कर रहा था पॉलिटिकल चेंजेस के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ द ट्रियम्फ ऑफ दीज मोनार्कीज वाज दी सोशल चेंजेस, और वो कौन से थे आपके, 12th और 13th सेंचुरी में हुए थे, डिसोल्यूशन ऑफ द फ्यूडल सिस्टम से हुए थे, ठीक है, और जिसमें क्या है लोड सिस्टम जो था, वेसलेज जो था, ठीक है, अब एक स्लो रेट पे इकोनॉमिक ग्रोथ से जो नई अपॉर्चुनिटीज थी उनकी तरफ बढ़ रहा था, ठीक है। किंग्स जो हैं वो अपना कंट्रोल बढ़ा रहे थे पावर्स के ऊपर, पावरफुल होते जा रहे थे, ठीक है, और अपनी सब्जेक्ट्स के ऊपर क्या है जो नहीं पावरफुल थे उनके ऊपर कंट्रोल बढ़ाते जा रहे थे, जबकि वहाँ पर क्या एक चर्च पहले एक मेन कंपोनेंट था, अब ये किंग्स जो है वहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे, ठीक है। ये आर्मी जो है वो स्ट्रॉन्ग रखने लगे थे, जो कि पहले किसके पास होती थी, नाइट होते थे वो रखते थे और वो क्या इनको सर्व करते थे, अब खुद की इन्फेंट्री जो है ये रखने लगे थे, ठीक है, और जो क्या है मॉडर्न वेपन्स के साथ क्या है, मॉडर्न वेपन्स उनके पास होते थे, और ये क्या है अलग अलग चीज़ों को राजा के कहने पर, राजा के विल के अकॉर्डिंग क्या सेज कर देते थे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर पॉलिटिकल चेंजेस जो है दिखाए गए। टैक्सेस जो है इंक्रीज किए जा रहे थे, ठीक है, मोनार्क गोट इनफ रेवेन्यू टू सपोर्ट लार्ज आर्मी, वो टैक्स जो पहले चर्च ले रही थी अब किसके पास था, किंग के पास था, और इस पैसे को यूज़ कर रहे थे अपनी आर्मी को ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए, खुद को अपने आप को अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करने के लिए, ठीक है, खुद को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या है उस पैसे को ये यूज़ कर रहे थे। नॉर्मलिटी खुद को मैनेज कर रही थी, टैक्टिकल शिफ्ट जो हो रहा था उन चीज़ों को देखने के लिए, खुद के सर्वाइवल के लिए कि हम अपनी पोजीशन को सेम बनाए रख सकें, ठीक है, न्यू जो रिजाइन थी उनके साथ क्या जुड़ के रह सकें, उनके साथ क्या वो कंट्रोल करके आगे बढ़ सकें, इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर हो रही थी। किंग वॉज नो लॉन्गर एट द एपेक्स ऑफ अ पिरामिड वियर लॉयलिटी हैड बीन अ मैटर ऑफ द पर्सनल डिपेंडेंस एंड ट्रस्ट, ही वॉज नाउ एट द सेंटर ऑफ एन एलोबरेट कोर्टियर सोसाइटी एंड अ नेटवर्क ऑफ पेट्रोन क्लाइंट रिलेशनशिप, जो पिरामिड था उसके ऊपर था, ठीक है, किंग, और जो लॉयलिटी पर डिपेंड करता था, अब उसने खुद का एक कोर्ट बना लिया था, और उस कोर्ट में क्या अलग अलग एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना लिया था जो अब उसको सर्व कर रहे थे, लॉयलिटी पे डिपेंड नहीं था, वो मेन सेंटर में आ गया था, उसने सारी पावर क्या है किंग ने अपने कंट्रोल में ले ली थी, ठीक है। तो यहाँ पे इन्हीं सारे चीज़ को क्या है अलग अलग चीज़ों में बताया गया था, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, व्हाट हैपेंड इन इंग्लैंड वाज वेरी डिफरेंट, इवन बिफोर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट एंग्लो सैक्सन हैड अ ग्रेट काउंसिल, उनके पास क्या थी, काउंसिल थी, किंग हैड टू कंसल्ट बिफोर इम्पोजिंग एनी टैक्स, किंग को कंसल्ट करना पड़ता था अपने काउंसिल से कोई भी टैक्स लगाने के लिए। दिस डेवलप्ड इनटू व्हाट वाज कॉल्ड द पार्लियामेंट, और सिस्टम को, इस काउंसिल को ही नाम दिया गया पार्लियामेंट का जो कि उस टाइम पे उनके पास थी, विच कंसिस्टेड ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड, और इस पार्लियामेंट में कौन होते थे, लॉर्ड्स होते थे, ठीक है, मेंबर्स होते थे, जिस जो मेंबर्स कौन से, लॉर्ड थे और क्लर्क थे, ठीक है, जिसमें चार्ल्स फर्स्ट रूल्ड फॉर 11 ईयर्स विदाउट कॉलिंग पार्लियामेंट, जिसने 11 साल तक पार्लियामेंट नहीं बुलाई लेकिन अच्छे से क्या उसने रूलिंग की। व्हेन ही वाज फोर्स टू कॉल इट बिकॉज ही नीडेड मनी, और पैसे की जब जरूरत होती थी तभी क्या वो पार्लियामेंट को बुलाता था। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है आपका ये खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा, कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट जरूर बताइएगा। थैंक यू।